हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना है और आज मैं चौलाई के बीज के लड्डू बनाने जा रही हूँ। ये लगभग 250 ग्राम चौलाई के बीज होगा, जिसको रामदाना के नाम से भी जाना जाता है। और उसको पहले आपको घर में इसको साफ करना है, अच्छे से एक दिन धूप भी लगाना है, सुखा लेना है। उसके बाद एक कड़ाही ले, पैन ले। कड़ाही जो है वो मोटा बर्तन होना चाहिए इस तरह से, और उसको अच्छे से गर्म करें। और जब यह अच्छे से गर्म हो जाए तब आपको एक बार में एक चम्मच दाना डाल देना है। और इसी तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से ये फूटने लगा है। डालते ही अपने आप ये क्रैकल होना स्टार्ट हो जाता है, फूटना शुरू हो जाता है। और इतना सुंदर इसका दाना खिलेगा, एक एक दाना सब इसमें खिल जाएगा। उसके बाद आपको एक कपड़ा लेना है और इस तरह से निकाल लेना है। दोबारा भी इसी तरह से डालें। ध्यान रखें कि इसको निकालते समय कॉटन का ही कपड़ा यूज करें, यानी कि कोई हैंकी ले। भुनने के बाद एक छन्नी लेना है, जिससे हम सूजी को छानते हैं वो वाला छन्नी ले। वेस्टेज जो होगा वो सारा इस तरह से करने से वो सारा नीचे आ जाएगा और अच्छा इसमें रहेगा। इसको मैंने साफ करके तैयार कर लिया है। अब यहाँ मैंने एक कड़ाही लिया है और इसको मैंने गरम कर लिया है। अब ये गरम हो गया है तो इसमें डालेंगे 2-3 चम्मच करीब पानी। उसके बाद ये 400 ग्राम करीब गुड़ है, इसको मैंने तोड़ कर रख लिया है। इसमें से थोड़ा सा बचा कर 300 ग्राम करीब गुड़ इसमें डाल देंगे। उसके बाद फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ लिया है 50 ग्राम नारियल को ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है और 4 इलायची को कूट कर इसमें डाल दिया है। तो ये फ्लेवर का काम करेगा। इसके जगह में आप चाहे तो फ्लेवर के लिए कोई और चीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, जैसे कि सौंफ या फिर कोई दूसरी भी चीज जो आपके फेवरेट हो तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो पहले हम अच्छे से मिलाएंगे और फिर इसकी चाशनी तैयार करेंगे। मीडियम हीट पर इसे पिघलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि यह पिघल चुका है। 20 सेकंड के अंदर अब यह चाशनी तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ एक बॉल में थोड़ा सा पानी ले लिया है और जब लगेगा कि चाशनी तैयार हो गया है तब हम इसमें एक बूंद डालकर चेक करेंगे। अब होने वाला है तो गैस का हीट लो कर देंगे। पानी में एक बूंद चाशनी डालेंगे। अगर चाशनी इसमें जम गया तो इसका मतलब है कि चाशनी तैयार हो चुका है। चाशनी जम गया है, ये देख सकते हैं कि चाशनी जम गया है। गैस यहाँ ऑफ कर देंगे और इस हीट में अच्छे से अभी पक जाएगा, जो थोड़ा बहुत कमी है। तो एक बार मैं आपको फिर से डालकर दिखा देती हूँ। अगर चाशनी पानी में डालते ही पिघल जाती है तो इसका मतलब है कि अभी थोड़ा और पकेगा। अगर आपके समेटने में आ गया है तो चाशनी तैयार हो चुकी है। चाशनी तैयार हो चुका है। अब ये नारियल और इलायची डाल दें, साथ में चौलाई या रामदाना भुना हुआ इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिलाएंगे। अच्छे से मिला दिया है, इसी तरह से आपको भी मिलाना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से मैंने मिलाया है, इसी तरह से आपको भी मिलाना है। अब हम इसका आधा ट्रे में डाल देंगे। ट्रे में डालकर उसको फैला देंगे और आधा को गोल गोल लड्डू बनाएंगे। मैं आपको दोनों तरह का दिखा रही हूँ, आपको जो सुविधा हो उस तरह से बनाएं। हाथ में हल्का सा पानी लगाएं, उसके बाद ही मिक्सचर को छुए। ऐसा करने से हाथ भी नहीं जलता है और लड्डू बनाने में आसान होता है। इसकी साइज आप अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं। फैलाने के बाद इस तरह से बेलन चला दें ताकि पूरा एक समान हो जाए।
इस तरह से फटाफट आपको लड्डू बनाना है। अगर आपके घर में 2-3 लोग हैं तो सब मिलकर इसको तैयार कर ले, बहुत ही जल्दी हो जाता है और एक बार में बन जाएगा। अगर आपका ये ठंडा हो जाता है तो टेंशन ना ले, इसको हल्का गर्म करें गैस पर, चाहे तो 1 चम्मच पानी का छींटा मारें इस पर और इसको हल्का गुनगुना कर फिर से बना लें। और इसको फैलाने के बाद हम इसको शेप दे देंगे। अभी गर्म है तो इसी टाइम इसको शेप देना आसान रहता है, तो इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। निशान लगा दें, लेकिन अभी हम इसको इसी के अंदर रहने देंगे, थोड़े देर ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसके पीसेस निकाल देंगे। इधर लड्डू भी बन गया है, तो इसी तरह से आप लड्डू बनाएं या फिर आप उसको फैलाकर इसके बर्फी के जैसा पीसेस बनाएं, जो आपको सुविधा हो उस तरह से बनाएं। इसके एक एक पीसेस मैंने निकाल लिया, तो इसी तरह से चौलाई के लड्डू, रामदाना के लड्डू आप अपने घर पे बनाइए। और मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपको इसको बनाने में कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।